हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड्स। तो चलिए लेट्स स्टार्ट लर्निंग। टुडे आवर सब्जेक्ट इज इंग्लिश, वर्कशीट नंबर इज 26 एंड द डेट इज 3rd September 2020 एंड योर क्लास इज 9th। यहाँ पर हम नाम मेंशन करेंगे, अपने क्लास टीचर का नाम मेंशन करेंगे। तो चलिए वर्क स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्रिय बच्चों, आई एम श्योर यू ऑल लव टू लिसन टू स्टोरीज। मुझे यकीन आप सबको कहानी सुनना काफ़ी पसंद है। दे आर सो मच फन, और कितना मजा आता है हम कहानी सुनने में। वी ऑल लाइक लिसनिंग टू फोक टेल्स। हमें कौन कौन सी कहानियाँ पसंद हैं? फोक टेल्स, लोकगीत, घोस्ट स्टोरीज, भूतों की कहानी, स्टोरीज विद फेरीज एंड विजार्ड्स, परियों और जादूगरों की कहानी, स्टोरीज विद चिल्ड्रन, बच्चों के बारे में कहानी, स्टोरीज विद मैजिक, जादू की कहानियाँ, स्टोरीज अबाउट आवर गॉड्स और एलियंस, हमारे भगवानों और एलियंस जो दूसरे ग्रह पर रहते उनके बारे में कहानियाँ, एंड स्टोरीज अबाउट आवर सुपर हीरोज, और हमारे सुपर हीरोज़ के बारे में कहानियाँ हमें सुनना काफ़ी पसंद है। द फर्स्ट स्टोरी आई रिमेंबर रीडिंग एज ए किड वॉज अबाउट अ टॉर्टोइज एंड अ रैबिट। जो पहली स्टोरी मैं जब मैं बच्चा था मुझे याद है, वो कौन सी स्टोरी थी? पहली अ टॉर्टोइज एंड अ रैबिट, एक कछुए और खरगोश की कहानी थी जिसमें टॉर्टोइज कछुआ जीत जाता है। इट वॉज अ लॉन्ग टाइम बैक, और काफ़ी समय हो गया इस कहानी को पढ़े और याद किए। Do you remember any story you read or heard when you were a kid? क्या आपको याद है कि आपने बचपन में कोई स्टोरी पढ़ी या सुनी हो? तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें कि आपको कौन सी स्टोरी, अपने बचपन की कहानी याद है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में, आज की वर्कशीट में चलते हैं। इन दिस वर्कशीट वी लर्न टू अंडरस्टैंड डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ स्टोरी। इस वर्कशीट में हम अलग अलग जो एलिमेंट्स होते हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो स्टोरी में, वो हम सीखेंगे। This is important so that we are able to write and share stories we want। यह किसके लिए ज़रूरी है? अगर हमें कोई स्टोरी लिखनी हो या किसी के साथ शेयर करनी हो, तो ये चारों एलिमेंट्स के बारे में हमें पता होने चाहिए। कौन कौन से चार एलिमेंट, वो देखते हैं। Do you know a story has different parts? क्या आपको पता है स्टोरी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं? वो भी अब मैंने आपको बताया है। Let me tell you about them। तो चलिए उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। First है characters, चरित्र। उसमें कौन कौन से करैक्टर्स होते हैं? वो पीपल, व्यक्ति, लोग हो सकते हैं, एनिमल्स, जानवर हो सकते हैं, क्रिएचर, जीव जंतु हो सकते हैं इन द स्टोरी। सेकंड पार्ट हमारा सेटिंग। सेटिंग मींस वेयर एंड व्हेन द स्टोरी टेक प्लेस, कब और कहां पर जो स्टोरी घटित हुई, वेयर द स्टोरी हैपन्ड। थर्ड पार्ट है प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम भी होगी, कोई स्टोरी होगी, आ चैलेंज, कोई चुनौती हो सकती है, और अ कन्फ्लिक्ट, एक संघर्ष हो सकता है या कोई झगड़ा हो सकता है उस कहानी में, और वो कौन फेस करेगा? द मेन कैरेक्टर फेसेस, जो कि जो मुख्य है चरित्र, जो मुख्य कैरेक्टर है वो उसको फेस करेगा, सामना करेगा। एंड द फोर्थ एंड द लास्ट पार्ट इज सॉल्यूशन, हाउ द प्रॉब्लम गेट्स सोल्व, कैसे उस जो कहानी का सॉल्यूशन, निवारण होता है। तो ये हमारे चार पार्ट्स होते हैं स्टोरी के। अब हम आज एक स्टोरी यहाँ पर शेयर करेंगे, पढ़ेंगे, द क्रो एंड द पिक्चर, जो आपने बचपन में जरूर पढ़ी होगी, आपको याद भी होगी। क्रो कौवा, और पिक्चर माने आप मटका या घड़ा कुछ भी बोल सकते हो। लेट अस रीड दिस सिंपल स्टोरी एंड फाइंड आउट द एलिमेंट। तो चलिए इस स्टोरी को पढ़ते हैं और जो एलिमेंट्स हैं, फोर पार्ट्स हैं, उसे हम फाइंड आउट करते हैं। इन अ स्पेल ऑफ ड्राई वेदर, जो जो मौसम था कैसा था, वो शुष्क था, काफ़ी गर्म था। वेन द बर्ड्स कुड फाइंड वेरी लिटल टू ड्रिंक, और उस मौसम में, गर्मी के मौसम में, आपको पता है बच्चों को, और बर्ड्स को, पक्षियों को काफ़ी कम मिल पाता है पानी पीने के लिए। अ थर्स्टी क्रो फाउंड अ पिचर विद अ लिटिल वाटर इन इट, एक प्यासे कौवे को एक घड़ा मिलता है, मटका मिलता है जिसमें थोड़ा बहुत पानी होता है। बट द पिचर वॉज हाई एंड हैड अ नैरो नेक, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, जो पिचर मटका था उसकी जो नेक थी वो काफ़ी पतली, नैरो पतली और हाई लंबी थी, इसलिए वह अपना जो गर्दन है वो उसमें नहीं ले जा पा रहा था, और जितनी ले जा पा रहा था पानी बहुत कम था, पानी तक वो पहुँच नहीं पा रहा था। एंड नो मैटर हाउ ही ट्राइड, और उसने हर तरह से कोशिश की, लेकिन द क्रो कुड नॉट रीच द वाटर, लेकिन जो क्रो है वो पानी तक नहीं पहुंच पाया। द पुअर थिंग फेल्ट एज इफ ही मस्ट डाई ऑफ थ्रिस्ट, और द पुअर थिंग यहाँ पर क्रो को बोला गया है, उसे ऐसा लगा कि वह प्यास से मर जाएगा। देन एन आइडिया केम टू हिम, तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। पिकिंग अप सम पेबल्स, उसने कुछ कंकर पत्थर, छोटे छोटे स्टोन्स उठाए। ही ड्रॉप्ड them into the pitcher one by one, और उसने एक एक करके उस मटके में, घड़े में, उसे उन stones को डालना शुरू कर दिया। With each pebble the water rose a little higher, और हर एक कंकर से जो पानी है वो थोड़ा ऊपर ऊपर उठता रहा।
अनटिल एट लास्ट इट वॉज नियर इनफ सो ही कुड ड्रिंक, और तब तक ये पेबल्स जो कंकर डालता रहा तब तक वह, कब तक, जब तक वह पानी तक अपनी गर्दन या चोंच नहीं पहुंचा पाया, और फाइनली उसने पानी पिया और अपनी प्यास बुझा ली। तो यहाँ पर हमें कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल इसे करना, हमें चारों चीज़ लिखनी है। फर्स्ट है करेक्टर, करेक्टर क्या है, अथर्स्टी करो, प्यासा कौआ, उसके बारे में ही कहानी है। सेटिंग क्या है, ड्राई वेदर है, शुष्क मौसम है, उसमें बताया गया कि बहुत कम पानी मिलता है बर्ड्स को। प्रॉब्लम, अब समस्या क्या आई, द क्रो कुड नॉट ड्रिंक वाटर ड्यू टू नैरो एंड हाई नेक ऑफ पिक्चर एंड अ लिटिल वाटर नेट। समस्या क्या थी, जो क्रो था, जो कौवा था, वो पानी नहीं पी रहा था आ रहा था, क्योंकि जो पिक्चर मटके का जो नेक थी वो काफ़ी पतली और हाई लंबी थी और उसमें पानी बहुत कम था। एंड द फोर्थ पार्ट इज सॉल्यूशन, तो उसका क्या निवारण निकला उस प्रॉब्लम का, ड्रॉप सम पेबल्स इन द पिक्चर अनटिल द वाटर वॉज इनफ टू ड्रिंक, वाटर वॉज नियर इनफ टू ड्रिंक, वह तब तक पेबल छोटे छोटे टुकड़े उसमें डालता रहा जब तक वह पानी का तक नहीं पहुँच पाया। तो यहाँ पर हमारी स्टोरीज और जो फोर पार्ट्स एलिमेंट्स के कंप्लीट होते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन, हिट द नोटिफिकेशन बेल, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कीप वॉचिंग मोल्डिंग माइंड्स। जय हिंद, जय भारत।